नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। क्या सिवनी घनसोर के बमहोड़ी गांव के सुमित बन गए कलेक्टर? सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का सच जानने सुप्रीम पावर संवाददाता अजय रैदास ने मौके पर जाकर की पड़ताल। निकले चौंकाने वाले राज। सिवनी जिले के घनसोर के पास बमहोड़ी ग्राम में यह बात सुनकर पूरे जिले को अचंभे में डाल दिया कि दिन रात मिस्त्री काम कर और पढ़ाई करने के बाद सुमित का चयन कलेक्टर पद में हो गया। फिर क्या हमारी सुप्रीम पावर हंटर न्यूज की टीम सिवनी जिले से लगभग 120 किलोमीटर का फासला तय करके आखिरकार उस गांव में पहुंच गई। बमहोड़ी ग्राम का माहौल देखने लायक था, पूरे ग्राम में खुशी का माहौल था, पर यहां हमारी तहकीकात खत्म नहीं होती। हमारे लिए एक और बड़ा सवाल कि हमें उस युवक से मिलना था और पूछना था कि सचमुच वह कलेक्टर बन गए हैं। जब हमारे संवाददाता युवक के घर तक पहुंचे और पूछा कि सुमित घर पर है, पर परिजनों ने घर पर नहीं है कह दिया, तो परिजनों और ग्रामीणों से इस बारे में बात की तो देखिए क्या कहा। आप जी बमहोड़ी ग्राम के रहने वाले हैं। आपके यहाँ का एक लड़का कलेक्टर पद में पहुँच गया, आज कैसा लग रहा है? हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि एक गरीब परिवार का लड़का इतनी मेहनत परिश्रम करके बनी मजदूरी किया, उसने मिट्टी खोदा, पांच पजाया, वो विश्वकर्मा समाज का है वो लड़का, उसने पांच पजाया और मिट्टी खोदा, हमारे साथ पे भी मिट्टी खोदा है उसने। आज हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे वाले जो भाई बहन है तो वो इस पदवी पे पहुँचे, तो और गाँव का नाम रोशन करें। गरीब आदमी था जिसका लोहार का धंधा करता था और मेहनत करके उसने पढ़ा है, अपने मजदूरी किया है, बांस बजाता था, ईट गारा काम करके उसने अपने से स्कूल ज्वाइन जो भी किया। गरीब आदमी ने मजदूरी दूसरे कहाँ करके पढ़ा है, इससे हमको अच्छा लगता है कि हम गांव राशि हमारा गांव में कलेक्टर हो गया। हम गांव वाले सब खुश हैं उस बच्चे को देख कर, मजदूरी कैसा उसने अच्छे किया, तो भगवान उसको हर बच्चा ऐसा करना चाहिए, यही सीख देंगे आप। आप मैं बमहोड़ी गांव की हूँ। आपके ग्राम में एक कलेक्टर पद में एक लड़का नियुक्त किया गया, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मेरे को मैथ में 12th का एग्जाम दी इस बार, उन्होंने मेरे को मैथ्स की कोचिंग करवाई है, और बहुत उनके बारे में कहने के लिए तो मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही सिंसियरली टीचर रहे हैं मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करते थे और अभी भी करते हैं, और मुझे IPS बनना है तो उन्होंने मुझे उसके लिए एडवाइस किया है, और मैं अपने पद तक पहुँचने के लिए बहुत ही प्रयास करूँगी, और उनके द्वारा जो बताए गए उपदेश है उनका मैं पालन करूँगी। यह तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन यही हमारी तहकीकात खत्म नहीं होती। जब युवक के बारे में और जानकारी निकाली गई, फिर बहुत ही गंभीर बातें सामने आई। वह ये कि जो सिवनी जिले का युवक बताया जा रहा है, वह सुमित कुमार जो बिहार में सिकंदरा के जामुई तहसील के रहने वाले हैं, और 5 अप्रैल को घोषित हुए UPSC परीक्षा में 53वीं रैंक प्राप्त कर अरुणाचल प्रदेश में ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन घनसोर मेहता बमहोड़ी से किसी सुमित कुमार का UPSC में चयन नहीं हुआ है, वह सिर्फ अफवाह है, और एक जैसे नाम होने के कारण समझने में गलती हो रही है, और वह सोशल मीडिया में जोरों से शेयर किया जा रहा है। हमारी जांच पड़ताल में यह घटना झूठी साबित होती है। सिवनी के सुमित नहीं बल्कि बिहार के सुमित का चयन हुआ है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से अजय रैदास की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। महिला कांस्टेबल की जमकर पिटाई। जिला अस्पताल में महिलाओं ने घसीट घसीट कर जूतों और थपेड़ों से पीटा। जिला अस्पताल में पर्चा बनवाने को लेकर सीधी लाइन लगवाने की कोशिश में हुआ बवाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला सिपाही से मारपीट करने वाली महिलाओं को हिरासत में लिया। महिला सिपाही के बयानों पर आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर जिला अस्पताल का मामला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट। हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, हमसे कहने लगे कि लोग पर्चा बनवा लिया,
आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, वन विभाग की लापरवाही से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। मुरैना पोरसा के ग्राम पंचायत सिलवाली के आदर्श नगर में ट्रांसफार्मर पे बैठे दो राष्ट्रीय पक्षी करंट लगने से घायल होकर नीचे गिर गए। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे फोन लगाकर वन विभाग के डिप्टी रेंजर को दी। इसकी जानकारी पाके भी 3 घंटे तक कोई वन विभाग का ऑफिसर घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और इस लापरवाही से एक मोर की मौत हो गई। मुरैना से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत सिलावली मजरा आदर्श नगर में जो मोर अभी दो मृत्यु हुई है, आपको 2 घंटा पहले सूचना दी गई थी लेकिन आपको मुझे मिली है 1/2 घंटा पहले, मैं वहाँ से चल दिया हूँ डॉक्टर को लेके। नहीं तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने 8 बजे सूचना दी है। किसको दी है सूचना हमें मालूम नहीं, मुझे सूचना मिली है। हाँ। वो मैं आ गया 8 घंटे। नहीं आपको बताया कि आपका कहना ये था कि मेरा काम नहीं है, प्रमोद का काम है। नहीं नहीं, प्रमोद का काम कोई भी आदमी आ सकता है। अच्छा हाँ, कितने बजे सूचना दी थी आपने? 8:30 बजे। किसको दी थी? प्रमोद को लगाया। हाँ, फिर प्रमोद ने नंबर दिया। लेकिन अभी समय कितना हो गया? 10:30 हो गए। डिप्टी रेंजर साहब अब आ रहे। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर के खकनार तहसील के सावली में लाश मिलने से सनसनी। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम सावली में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों को बदबू की शंका होने पर खकनार थाने में सूचना की गई। खकनार पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन व अधिकारी का अमला पहुँच कर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल खकनार पुलिस द्वारा मृतक की पहचान कर ली है। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए बुरहानपुर से जय कुमार गंगराड़े की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, गांजे की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। थाना गाड़ासरे पुलिस ने गांजे की तस्करी में काफी लंबे समय से संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चंदन घाट में व्यक्ति प्लास्टिक के झोले एवं बैग में गांजा रखे खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। तत्काल पुलिस टीम ने ग्राम चंदन घाट जाकर अमर सिंह पिता पंचम सिंह पंद्राम निवासी पीपर टोला थाना करण पठार जिला अनूपपुर सुनील साहू पिता तेजीलाल साहू निवासी चंदन घाट थाना गाड़ासरई जिला डिंडोरी को मौके पर से तथा इनके अन्य साथी तेजीलाल पिता भोला प्रसाद साहू निवासी चंदन घाट थाना गाड़सरई को 7 किलो 130 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रिंस राज पटेरिया की रिपोर्ट। जिसमें से एक पीपर टोला नक्सल का रहने वाला है अमर सिंह पेंद्राम और एक सुनील साहू और उसके पिता है जो चंदन घाट के रहने वाले हैं, चंदन घाट थाना गाड़ासरई क्षेत्र के। ये कल जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि चंदन घाट पर किसी तरफ पेट्रोल मेन रोड पर एक व्यक्ति बैग लेकर के खड़ा है, जिस पर से पुलिस टीम लेकर के आज तत्काल रवाना हुए और घेराबंदी कर पकड़ा, जहां उस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति झोला लेकर खड़ा हुआ था जिन्होंने अपने अपने नाम अमर सिंह और सुनील साहू बताए और जिनके दोनों के पास से गांजा बरामद हुआ है। कुल गांजा 7 किलो 530 ग्राम बरामद हुआ है उनके पास से। इसको भी जब्त कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या मूल्य होगा सर गांजे का? बाजारी मूल्य करीब 70,000 रुपये करीब। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।